एमपी में सूर्य नमस्कार सीएम ने किया प्राणायाम, बोले बाबा महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद अयोध्या भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। युवा दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया। उनके साथ भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर, मंत्री राकेश सिंह, कृष्णा गौर ने भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल स्टूडेंट्स शामिल हुए। शुक्रवार को प्रदेश भर में युवा दिवस मनाया जा रहा है। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय युवा दिवस कार्यक्रम में राम मंदिर को लेकर सीएम ने कहा, हम बाबा महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेज रहे हैं। ये बाबा महाकाल का प्रसाद है। बाबर ने मंदिर तोड़ा और अब फिर मंदिर बना है, तो हम मध्य प्रदेश से कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या जाएं, लेकिन जिसे जो तारीख दी गई है उसी तारीख में जाएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणा देने वाला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। आज हम सब देख रहे हैं भारत चांद और सूर्य तक पहुंच चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने हर कदम से युवाओं को रोमांचित करते हैं। अभी हमने लक्षद्वीप में देखा, उन्होंने पानी के अंदर स्पोर्ट्स का अनुभव दिखाया। ये हमारे भारत में संभव है और उसकी खोज में निकल पड़े। फिर काली माँ से उनका साक्षात्कार हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद उनका जीवन बदल गया। फिर उन्होंने कहा, समूचे मानव ईश्वर का अवतार है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। हम सबके प्रयास से प्रदेश नंबर 1 बनेगा। राम मंदिर को लेकर सीएम ने कहा, हम बाबा महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेज रहे हैं। ये बाबा महाकाल का प्रसाद है। बाबा ने मंदिर तोड़ा और अब फिर मंदिर बना है, तो हम मध्य प्रदेश से कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या जाएं, लेकिन जिसे जो तारीख दी गई है उसी तारीख में जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।